not giving corona reports. The fake corona reports. These labs don't believe in taking sample. They believe in taking money. Viewers, these people are the opportunists of the highest level. They are vultures. शुरू की ये बातें अंग्रेजी भाषा में इसलिए कही हैं कि शायद देश की सत्ता पर विराजमान लोग इसी लहजे में इसी भाषा में ये समझते हो। ये मसला कभी भी ये नहीं था कि सिर्फ मेनका गांधी जी ने ही गाली क्यों दी। मेरा मसला ये था कि क्यों और कौन से अधिकार से नेताओं को ऐसा लगता है कि नेताओं को यह हक है कि वो राजनेता हैं और वो गाली दे सकते हैं। मैंने इस बात को जोर शोर से उठाया। इसके बाद जब मुझे लगा कि कुछ लैब सिर्फ पैसे लेकर देश के साथ धोखा कर रही हैं, तो मैंने इस बात को भी उठाया। मेरे रिपोर्टर्स ने स्टिंग किए एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई रिपोर्टर्स। आज फिर मैं उस मानसिकता उस मेंटेलिटी पर बात करने जा रहा हूं जहां लोगों को प्रेम भाव से कोई मतलब नहीं। दे डोंट बिलीव इन लव हार्मनी इन दिस कंट्री, दे जस्ट बिलीव इन हेट। उन्हें मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ नफरत के भाव से। एंड एट द स्टार्ट आई एम मेकिंग दिस वेरी क्लियर दैट दिस प्रोग्राम इज नॉट अबाउट द रिलैक्सेशन गिवन इन सम स्टेट्स ऑन ईद उल अदा। दिस इज अबाउट द माइंडसेट of beginning, of banning this, banning that, boycotting this, boycotting that. If they have the power, they'll boycott everything, each and everything they don't like or they dislike. दोस्तों कल देश में ईद उल अदा का त्योहार मनाया जाएगा, ईद उल अदा का, और एक बार फिर वो लोग सक्रिय हो जाएंगे जो कहेंगे कि क्यों, आखिर क्यों एक त्योहार में किसी जानवर की बलि दी जाती, और दूसरी तरफ होंगे मुस्लिम्स जो कहेंगे ये तो चैरिटी का जरिया है। तरह तरह के तर्क दिए जाएंगे दोनों तरफ से। ये हर साल होता है, दिस इज नॉट अबाउट दिस ईयर, दिस इज अबाउट एवरी ईयर। ये हर साल आते हैं और ये हर त्योहार में होता है। होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, हर चीज से दिक्कत है किसी ना किसी। तो आजकल ईद की वजह से मार्केट में एनिमल एक्टिविस्ट की एक फौज सामने आ गई है जो रातों रात जानवरों को इतना प्यार करने लगी है जिसका कोई इलाज नहीं। इनका प्यार आज के लिए लैला मजनू वाला है, और ये वही मजनू हैं जो पूरे साल पानी वाले पार्क में जाते हैं, पानी वाला गाना गाते हैं, खूब मौज लेते हैं, और होली पर प्रॉब्लम है। होली पर झंडा उठाते हैं, कहते हैं कि पानी बचाओ, पानी सेव वॉटर, सेव वॉटर, सेव वॉटर। एंड एट द होल ईयर डांसिंग एट वॉटर। पूरे साल शादी, किसी टीम की जीत हुई तो पटाखे, हर बार 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 जलाएंगे पटाखे, लेकिन दिवाली पर प्रदूषण की टेंशन लेते हैं, बहुत टेंशन लेते हैं। इनको दिक्कत हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है दिवाली से जस्ट पहले, हर चीज में दिक्कत। और अब जब कल ईद उल अदा है तो अब इनको जानवरों की बलि दिए जाने से दिक्कत आ गई। पूरे साल बिलीव मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, पूरे साल चिकन मटन खाएंगे और एक दिन के लिए एनिमल एक्टिविस्ट बन जाएंगे। ये प्रोग्राम उन एक दिन के एनिमल एक्टिविस्ट को एक्सपोज करने के लिए बनाया गया। सी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद एनीवन, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद एनी रिलीजन, बिकॉज आई एम अ जर्नलिस्ट एंड बीइंग न्यूट्रल इज माय ड्यूटी। तो एक बात जो समझ में नहीं आती, आई एम टॉकिंग वन टू माई व्यूअर्स, एक बात जो मेरी समझ में नहीं आती वो ये है कि कैसे त्योहार के जस्ट पहले ये जन्म लेते हैं, ये कैसे पैदा होते हैं और कहां से आते हैं। होली से पहले पानी की दिक्कत, दिवाली से पहले इनको प्रदूषण की दिक्कत, और अब ईद है तो ईद से पहले एनिमल एक्टिविस्ट, जानवरों की जान ना चली जाए, परेशान। तो ये नफरती ननकू अब फिर बाहर आ गए हैं, ये सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं। इन्हें गोट यानी बकरों से कोई प्यार नहीं है, ट्रस्ट मी, इन्हें बकरों से कोई प्यार नहीं है। शायद ये मटन खाते हुए ही गोट प्रेम में ये बातें लिख रहे हो कि ईद पर कुर्बानी नहीं दी जानी चाहिए। दोस्तों, होली पर पानी बचाओ गैंग एक्टिव हो जाता है, दिवाली पर प्रदूषण को लेकर लोग चिंतित हो जाते हैं, और बकरीद पर रातों रात जानवर प्रेमी गैंग जीवित हो जाते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस पीपल, दे डोंट हैव एनी आइडेंटिटी, दे डोंट हैव एनी आइडियोलॉजी, दे डोंट हैव एनी थॉट, दे आर नॉट एक्टिविस्ट, दे जस्ट कॉल देमसेल्व्स एक्टिविस्ट। व्हाट डज इट मीन, दे आर जस्ट वन डे एक्टिविस्ट, नेक्स्ट डे दे आर नथिंग, सिपिंग वाइन, चिलिंग, दिस इज एब्सर्ड।
दोस्तों कौन है ये लोग जो देश में अमन चैन नहीं चाहते? मैं आपको बताता हूं, टुनाइट आई विल मेक दिस वेरी क्लियर दैट हु आर दीज पीपल, दे आर नथिंग, दे आर फ्रिंज, दे आर फ्रिंज एलिमेंट्स, दे आर सोशल एलिमेंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स। मैं कावेंद्र चौहान, आप व्यूअर्स, थर्ड इज सरकार, सही सोच रखने वाले लोग, मैं आप सरकार, सही सोच रखने वाले लोगों की संख्या देश में, एक बार फिर रिपीट कर, मैं आप सरकार, देश में सही सोच रखने वाले लोग 99.9999999% और ये लोग जिनको देश में हिंदू मुस्लिम करने में मजा आता है, इनका डोपामीन रिलीज होता है, इनकी संख्या है 0.00000000%। ये सच, दिस इज द ट्रुथ। मैं कोई भी पॉलिटिकल प्रोग्राम उठा सकता हूं, मेरे साथी पत्रकार हैं, मुझको फोन करते हैं, द कॉल में एंड दे से क्या यार, क्या तुमको नो वन इज गोइंग टू वॉच यू बिकॉज दिस इज नॉट ट्रेंडिंग। आपको कौन क्यों देखेगा जब ये ट्रेंडिंग है ही नहीं, तो क्यों देखेगा कोई? आज बड़ी खबर, शिल्पा शेट्टी एक्ट्रेस, उनके हस्बैंड, उनको पोर्नोग्राफी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। यह देश का मसला होना चाहिए। पोर्नोग्राफी में आज तक 5000 साल हिंदुइज्म का इतिहास है, 5000 साल में आज तक कोई ऐसी गिरफ्तारी हुई ही नहीं। दिस इज द फर्स्ट टाइम एक व्यक्ति को पोर्नोग्राफी के मामले में गिरफ्तार किया गया है एंड द होल नेशन इज डूइंग हुल्ला बुल्लू, होल नेशन, everyone is in tension, oh my god what happened, Shilpa Shetty, oh my god Shilpa Shetty's husband arrested, oh my god Shilpa Shetty ka husband giraftar, aapko kya problem hai bhai, kya samasya aa rahi hai bhai? Desh us din se tarakki karna shuru kar dega jis din log apne business rakhna seekh le। sochiye I'm talking one to my viewers, सोच इस चीज को, सोच कर देखिए। आज देश की सबसे बड़ी खबर यह है कि शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड को गिरफ्तार किया गया है जस्ट बिकॉज ही वॉज मेकिंग पोर्नोग्राफिक वीडियोस, एलिजिबल, इसलिए गिरफ्तार किया गया। अब पूरा देश परेशान। योगी जी मंत्रिमंडल में विस्तार करने वाले हैं, इसको लेकर पूरा देश परेशान। लेकिन कोई भी इस मसले पर बात नहीं कर सकता जो बहुत ही बेसिक है कि क्यों हर त्योहार से पहले, होली से पहले पानी की समस्या सताने लगती है, कुछ लोगों को दिवाली से पहले पटाखों की समस्या, प्रदूषण फैल जाएगा, ऐसे ही ईद से पहले आज फिर यह समस्या आ रही है। ट्रस्ट मी, दे आर नॉट एक्टिविस्ट, उनको पानी की चिंता नहीं है, उनको प्रदूषण की चिंता नहीं है, उनको जानवरों से कोई प्रेम नहीं, वो अपने मन की कुंठा को खत्म करना चाहते हैं। आप सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए कि आखिर जिस त्योहार की मैं बात कर रहा हूं वो त्योहार है क्या। इस रिपोर्ट को आप देखिए, पीसीआर प्लीज प्ले द फर्स्ट रिपोर्ट। वो एक बार फिर एक नया त्योहार आते, त्योहार पर ज्ञान बखारने वालों का मेला सज चुका है। कभी दिवाली पर पटाखों को लेकर ज्ञान बखारते ये लोग, कभी होली पर भी ज्ञान बखार देते हैं, कभी क्रिसमस त्योहार पर ज्ञान बखारते हैं। तो ऐसे में जब कल बकरीद है तो एक बार फिर ये ज्ञानवादी समाज सामने आ गया है, एक बार फिर इनको चिंता सताने लगी है, एक बार फिर ये रात के अंधेरे में ये कहते दिख रहे हैं कि क्यों, आखिर क्यों जानवरों को काटा जाता है, क्यों कुर्बानी दी जाती है, क्यों इस तरह से त्योहार मनाया जाता है। आज पूरी जानकारी देते हुए बताएंगे कि ये बकरीद का त्योहार आखिर है क्या। तो ईद उल उजहा, जिसे बकरीद के नाम से भी जाना जाता है, मुस्लिम समाज का महत्वपूर्ण त्योहार है। पूरे विश्व के मुस्लिम समुदाय ईद उल उजहा को त्याग और बलिदान का त्योहार मानते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 12वें महीने की 10 तारीख को
बकरीद ईद उल उजहा मनाई जाती है। बकरीद रमजान माह के खत्म होने के लगभग 70 दिनों के बाद मनाई जाती है। बता दें, मीठी ईद के बाद यह इस्लाम धर्म का प्रमुख त्योहार है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल को इसी दिन खुदा के हुक्म पर खुदा की राह में कुर्बान किया था। ऐसा माना जाता है कि खुदा ने उनके जज्बे को देखकर उनके बेटे को जीवन दान दिया था। हजरत इब्राहिम को 90 वर्ष की आयु में एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने इस्माइल रखा। एक दिन अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को अपने प्रिय चीजों को कुर्बान करने का आदेश सुनाया। इसके बाद एक दिन दोबारा हजरत इब्राहिम के सपने में अल्लाह ने उनसे अपने सबसे प्रिय चीज की कुर्बानी देने को कहा। तब इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हुए। हजरत इब्राहिम को लग रहा था कि कुर्बानी देते वक्त उनकी भावनाएं उनकी राह में आ सकती हैं, इसलिए उन्होंने अपनी आंख पर पट्टी बांधकर कुर्बानी दी। उन्होंने जब अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो उन्हें अपना बेटा जीवित नजर आया। वहीं कटा हुआ दुम्बा, सऊदी में जिसे पाया जाने वाला भेड़ जैसा जानवर कहते हैं, पड़ा था। इसी वजह से बकरीद पर कुर्बानी देने की प्रथा की शुरुआत हुई। बकरीद को हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। इसके बाद इस दिन जानवरों की कुर्बानी दी जाने लगी। बकरीद पर मुस्लिम समुदाय के लोग एक साथ मस्जिद में अल सुबह की नमाज अदा करते हैं। इसके बाद बकरे की कुर्बानी दी जाती है। कुर्बानी के गोश्त को तीन हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा गरीबों, दूसरा रिश्तेदारों और तीसरा हिस्सा अपने लिए रखा जाता है। यह स्पष्ट है कि इब्राहिम परंपरा में एक जानवर की बलि देने का उपदेश अन्य सभी प्रकार के दान से स्वतंत्र रूप से मौजूद है, जिसे अलग अलग लंबाई से निपटाया जाता है और उनके द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। इस्लाम में जकात के रूप में जानी जाने वाली धन की दृष्टि से दान की एक पूरी प्रणाली है, जो इस्लाम के 5 मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। तो बकरीद के त्योहार पर जो खाना है उसको दिया जाता है, जिसको बांटने के स्वरूप में देखा जाता है। ये आज से नहीं बल्कि कई दशकों से, कई सालों से, कई वक्त से चलती चली आ रही परंपरा है। का मसला है या कारोबार का मसला है या सियासत का मसला है या त्योहार का मसला है या सिर्फ जायके का मसला है। ये सवाल सिर्फ किसी जानवर की हत्या किए जाने का है या किसी मन में उपजी कुंठा का? अगर यह सिर्फ जानवरों की बात है तो बैन करो चिकन। अगर यह सिर्फ जानवरों की बात है तो बैन करो चिकन। जान तो उनमें भी है, गो ग्रीन, हरी पालक खाइए। अगर यह सिर्फ जानवरों की बात है तो बैन करो फिश, क्योंकि फिश को तो वैसे भी कहा जाता है कि यह विष्णु जी का अवतार है। आप पोर्क और अल्कोहल को भी बैन कर दो क्योंकि मुस्लिम्स को इससे प्रॉब्लम है। गो ग्रीन एंड ब्लू, भिंडी के साथ ठंडा पानी पीजिए। अगर आप इतने सेंसिटिव, इतने बड़े एक्टिविस्ट हैं तो ये सब भी बैन कर दीजिए। आप पोर्क बैन करिए, अल्कोहल बैन करिए, मुस्लिम्स को प्रॉब्लम है। आप मीट को बैन कर दीजिए क्योंकि हिंदुइज्म में एक कास्ट है ब्राह्मण एंड मोस्ट बहुत सारे उनमें कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, इसको भी बैन कर दो। फिश को बैन कर दो क्योंकि फिश जो है, फिश महात्मा गांधी को लेते हैं, महात्मा गांधी पर तो पूरा देश विश्वास करता है ना। महात्मा गांधी जो थे वो गोट का मिल्क पीते थे और महात्मा गांधी पर पूरा देश फक्र करता है, तो गोट को भी बैन कर दो। आप सब कुछ बैन कर दो। ऐसे दर्शकों अगर ऐसे बैन करने या बॉयकॉट करने बैठ गए तो देश में कोई त्योहार नहीं मनाया जा सकेगा, देश में कोई कुछ नहीं खा सकेगा, देश में कोई चैन से नहीं जी सकेगा। एंड रिमेंबर, कोई भी रैंडम दल, ऑर्गेनाइजेशन मेरी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करता है। बीट बजरंग दल, बीट एनी फतवा गिविंग मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, आई डोंट केयर। अगर रिलीजियस सेंटीमेंट से अगर हिंदू मुस्लिम को खुश करने के लिए अगर हर चीज में कॉन्स निकालना शुरू कर दिया तो ध्यान रखिए, प्रैक्टिकली सब कुछ बैन करना पड़ जाएगा। और वो लोग, वो छुट्टी जर्नलिस्ट जिन्होंने एक लंबा सा अपना पत्रकारिता में बिताया, खूब मोटी तनख्वाह पाई, खूब सेकेंड सीट के नीचे से पैसा खाया, खूब सरकारों की दलाली की, एंड टूडे दे आर जॉबलेस। घर पे बैठकर माहौल बनाते हैं, घर पर बैठकर प्रोपेगेंडा खेलते हैं, घर पर बैठकर होली होती है तो इन्हें परेशानी होती है, दिवाली होती है तो इन्हें परेशानी होती है, अब ईद है तो इसमें भी कुछ लोगों को परेशानी है कि क्यों भाई
क्यों आप ये क्यों कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होता था, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, ये क्यों कर रहे हैं आप? इनको सिर्फ इस बात से दिक्कत है, याद रखिए, इनको सिर्फ इस बात से दिक्कत है कि ये कंट्री जिसमें हिंदू की पॉपुलेशन ज्यादा है, मुस्लिम्स की पॉपुलेशन कम है, और ऐसे में मुस्लिम्स इनके सामने, इन फ्रंट ऑफ देम, इनके सामने खड़े होकर एक त्योहार मना रहे हैं जो ये लोग नहीं मनाते। तो आज इनको प्रॉब्लम है, कल उनको प्रॉब्लम होती है जस्ट बिकॉज दे डोंट सेलिब्रेट देयर यू नो फेस्टिवल, तो कल उनको प्रॉब्लम होती है। कल वो होली खेल रहे होते हैं, रंग डाल रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि अरे भाई छेड़खानी कर रहे, अरे भाई महिलाओं को छेड़ रहे, लड़कियों को छेड़ रहे, बड़ी समस्या, पानी बर्बाद, पानी खत्म। पूरे साल सिर्फ ब्रश करने में जितना पानी बहा देते हैं और फिर होली के त्योहार वाले दिन ड्रामा करते हैं। ड्रामे का भी लिमिट हो, दिवाली पर पटाखे नहीं, पटाखे नहीं, पटाखे नहीं। वो एक्ट्रेस है, एक नाम है उनका प्रियंका चोपड़ा, दिवाली पे कहती है पटाखे नहीं, पटाखे नहीं, बहुत पॉल्यूशन होता है, बहुत पॉल्यूशन होता है। और 1 जनवरी को फोटोज दिखाती है, वीडियोस दिखाती है कि देखो कितना अच्छे से सेलिब्रेट किया मैंने, खूब पटाखे, खूब फायर क्रैकर्स। शी इज लिविंग इन सम फॉरेन कंट्री राइट नाउ, आई डोंट नो। अब तीसरा कि कल ईद है, प्रॉब्लम है भाई, कैसे भाई, क्यों भाई, गोट काट रहे हो आप, कैसे गोट काट सकते हो, ये तो बहुत इल्लीगल, गोट कैसे काट सकते हो? पूरे साल 365 में से 364 दिन ये मटन भी खाएंगे, ये फिश भी खाएंगे, और ये चिकन भी खाएंगे, और एक दिन 365वें दिन ये अचानक से सडनली, वो एक मूवी थी पुरानी, उसमें दुग्गल साहब थे, वो रोल बदल लेते थे, रोल चेंज कर लेते थे, तो ये भी वैसे ही है, ये एकदम से एनिमल एक्टिविस्ट बन जाते हैं। कैसे भाई, गोट से प्यार जाग जाता है, क्योंकि हमारे देश में जो गौरक्षक है वो दरअसल गौरक्षक है ही नहीं, वो गौरक्षा की आड़ में सिर्फ एक वर्ग को टारगेट करते हैं, नथिंग। वैसे एक वर्ग ऐसा भी है जो दूसरे को टारगेट करता है, ये जो दो वर्ग है बोथ आर एंटी नेशनल्स, ये दोनों वर्ग हमारे देश में हमारी देश की संप्रभुता, हमारी देश की इंटेग्रिटी, सोवरेनिटी, हर चीज को खराब करते हैं, हर चीज को खराब करते हैं। आम जनता तो जनता, कानून भी हिपोक्रेट है। मतलब एक पुलिसमैन रात को चिकन खाकर सोता है और सुबह उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाता है जिसने किसी कुत्ते को लात मारी, कौन सा मीटर है जिससे यह सब तय होता है कि इसकी जान की ज्यादा कीमत है, इसकी जान की कम कीमत है? मतलब थोड़ा सोचिए। थोड़े दिनों पहले एक यूट्यूबर था, उसने अपने पेट डॉग को बलून्स के साथ बांधा और हवा में उड़ा दिया, उसको पकड़ने पुलिस चली गई, पुलिस पकड़ के लाती है उसको, बकायदा वो तस्वीरें उसकी आती हैं, वायरल होती हैं। वही पुलिसमैन रात में जाकर चिकन खाते होंगे, वही पुलिसमैन रात में जाकर फिश खाते होंगे, और एक कुत्ते को सिर बांध के उसने हवा में उड़ा दिया, तो देट इज अ बिगेस्ट क्राइम। और एक बात और, मैं यहां उन ज्ञानियों की बात कर रहा हूं जिनका काम सिर्फ कचरा फैलाना है, मैं बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ उन ज्ञानियों की जो हर रिलीजन पर, हर फेस्टिवल पर, हर रिलीजियस फेस्टिवल पर सिर्फ कचरा फैलाते हैं, सिर्फ गंदगी करते हैं, सिर्फ आने वाले त्योहार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। बाकी एक बात आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी क्लियर, एज आई हैव मेड इट क्लियर इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस प्रोग्राम, कोरोना के बीच कोविड गाइडलाइंस का पालन जो ना करे वो मुजरिम है, कोई त्योहार इस बार भी, और जो सरकारें इसमें ढील दें वो भी मुजरिम है, क्योंकि केरल में ऐसी ही कोशिश हुई है। और ऐसी कोशिश है जो सरकार अपीजमेंट पॉलिटिक्स करती है उससे भी देश का नुकसान होता है, क्योंकि केरल में वहां की सरकार ने मुस्लिम से कह दिया कि ढील है, ढील है, ढील है, मनाओ। अब यहां का हिंदू नाराज है कि वहां देखो भाई केरला में मुस्लिम्स को आजादी है, और यहां उत्तर प्रदेश में, यहां उत्तराखंड में कांवड़ वालों को आजादी नहीं है, यहां आजादी है, यहां आजादी नहीं है, दोनों भारत के अंदर आते हैं। सिर्फ रिलीजन का फर्क है, सिर्फ सरकारों का फर्क है, वहां वाले को छूट दी यहां वाला नाराज, यहां वाले को छूट दी वहां वाला नाराज। घर के दो भाई हैं ये जो आपस में लड़ते हैं,
बहुत सिंपल लैंग्वेज में, इससे ज्यादा सिंपल लैंग्वेज नहीं हो सकती। ये दो भाई हैं जो आपस में लड़ते हैं, दोनों का घर यही है, दोनों का देश यही है और दोनों को इसी देश में रहना है। लेकिन सरकार अपने ढंग से अपनी अपीजमेंट के लिए लोगों के साथ खेलती है। केरला में सरकार ने जो कुछ किया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आप ये छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। केरल में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में केरल सरकार की ओर से बकरीद पर लॉकडाउन में ढील दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा, यह अफसोस की बात है कि राज्य सरकार व्यापारी संगठनों के दबाव में आ गई, उन इलाकों में भी दुकान खोलने की अनुमति दी जहां कोरोना दर 15% से अधिक है और लोगों की जान को खतरे में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बकरीद के मद्देनजर लॉकडाउन में ढील देने पर केरल सरकार को जमकर लताड़ लगाई है। कहा है कि यह चौंकाने वाली स्थिति है, राज्य सरकार ने ट्रेडर समूह के दबाव में बाजार खोल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरल सरकार का हलफनामा चिंताजनक है, यह भारत के सभी नागरिकों को जीवन के अधिकार की गारंटी नहीं देता है। केरल सरकार ने बकरीद के अवसर पर इस तरह की छूट देकर देश के नागरिकों के लिए राष्ट्रव्यापी महामारी के जोखिम को बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम केरल सरकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित जीवन के अधिकार पर ध्यान देने का निर्देश देते हैं। साथ ही कहा कि अगर बकरीद के लिए राज्य की दी गई ढील से कोविड-19 का और प्रसार होता है तो वह कार्यवाही करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। जैसे कि मैंने बताया कि मैं कोई भी खबर उठा सकता था, राज कुंद्रा को उठा सकता था, शिल्पा शेट्टी की खबर उठा सकता था, सरकार मंत्रिमंडल विस्तार की खबर उठा सकता था, शाम को प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग की खबर उठा सकता था और देश दुनिया में फैली तमाम खबरों को भी उठा सकता था, लेकिन नहीं। मेरा यह मानना है कि देश मीडिया वालों का काम सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि पॉलिटिक्स को एंटरटेन करें, मीडिया वालों का काम सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि पॉलिटिशियंस को एंटरटेन करें। वी आर नॉट हियर टू एंटरटेन पॉलिटिशियंस, वी आर हियर टू आस्क देम क्वेश्चंस। एंड ऑल्सो हम यहां पर सिर्फ इसलिए नहीं है कि पॉलिटिक्स का पूरा मिश्रण आप तक पहुंचाए, जर्नलिस्ट को सोशल इश्यूज पर भी बात करनी चाहिए और देश में सोशल इश्यूज पर डेली बात होनी चाहिए। हमने मेनका गांधी के पीछे तब तक हम पड़े रहे, हमने तब तक उनका साथ नहीं छोड़ा, वो हमसे परेशान हो गई, उन्होंने कहा छोड़ दो, हमने नहीं छोड़ा, हमने उनका साथ तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो परेशान नहीं हुए और अंत में अस्पताल बंद कर दिया मैडम ने। उसके बाद दिल्ली की ओखला में डाइवोक लैब एक चलाते हैं, फर्जी कोरोना रिपोर्ट बांटते हैं, उनके पीछे पड़ गए, फिर कानपुर चले गए। देश में हर उस जगह पहुंच जाएगी न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम जहां पर कोई भी एंटी सोशल एक्टिविटी होती है। पॉलिटिक्स की बातें अगर देखनी हो तो आप कहीं और जाकर देख सकते हैं, मैं सोशल इश्यूज पर बात करता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स एक लेवल तक आपको इफेक्ट करती है लेकिन सोशल इश्यूज हर घंटा, हर मिनट, हर सेकेंड आपको इन्फ्लुएंस करता है, हर सेकेंड आपको इफेक्ट करता है, तो उन्हीं मुद्दों पर बात करना मुझे ठीक लगता है। बाकी अब कुछ हार्ड बात करता हूं, बहुत हार्ड बातें होंगी, 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे ना सुने, अगर देख रहे हैं तो टीवी बंद कर दें। तो कुकुरमुत्तों में दो गुण होते हैं, पहला है कहीं भी उगे तो ऐसे उगेंगे कि नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है, दूसरा गुण जो एक्चुअली अवगुण है, इसमें से कई जहरीले भी होते हैं, दिखने में वैसे ही लगते हैं जैसे आम गोबर छत्ता या कुकुरमुत्ता होता है। बिहार के मिथिला में, एक मिथिला बिहार में जगह आप जानते होंगे, बिहार के मिथिला में इन्हें गोबर छत्ता बोला जाता है क्योंकि ये गोबर पर छाते की शक्ल में उगते हैं। कुकुरमुत्ता इसलिए नहीं बोलते क्योंकि कुकुर हमारी तरफ कुत्तों को बोला जाता है, डॉग्स, और मुत्ता का संबंध लघुशंका निवारण एक से निकले अपशिष्ट तरल से होता है। ऐसी ही एक प्रजाति मनुष्यों में भी पाई जाती है जो जहां भी जाती है कुकुरमुत्तों की तरफ फैल जाती है और उसकी सोच जहरीली होती है।
इसके संसर्ग में जो भी आता है, इसके अंडर जद में जो भी आता है, अगर इनकी मात्रा अधिक हो तो वो बच नहीं पाता। पूरे विश्व में इस प्रजाति को एक दूसरी तरह की प्रजाति संरक्षण देती है। ये उन्हीं के सड़न से अपना पोषण पाते हैं। वो जितना सड़ेंगे, गलेंगे, दुर्गंध फेंकेंगे, पहले वाले उतने ही ज्यादा सुपोषित होकर लड़ने को तैयार मिलेंगे। ये किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर सोसाइटी, पर्टिकुलर कास्ट उनके लिए नहीं था। ये एक जमात है, ये ऐसे लोग हैं जिन्हें हर चीज से प्रॉब्लम है, और ये हर रिलीजन, हर पंथ, हर जाति, हर धर्म, हर जगह पाए जाते हैं। तो खैर, ये तो हो गई जीव विज्ञान से संबंधित जानकारी, जिसका इस प्रोग्राम से कोई लेना देना था नहीं। खैर, प्रोग्राम बाइंड अप करने से पहले ये संबंधित जानकारी जिसका इस प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं था, प्रोग्राम बाइंड अप करने से पहले आपको बता दें कि शहर से लेकर देहात तक ये बातें समझाई जा सके, इसलिए बहुत सरल भाषा में इनका उपयोग किया गया है। बाकी ध्यान रखिएगा, देश सबका है, देश के सब है। जियो और जीने दो, लिव एंड लेट अदर्स लिव। कल एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे भारत एट नाइन में एक नए मुद्दे के साथ, और जब मुलाकात होगी तो खूब बात होगी। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ।